अनुज जी बने हुए हैं हमारे साथ। अनुज, आपको क्या लगता है कमोडिटी मार्केट में आप चने पर किस तरह का रिएक्शन देख रहे हैं इस वक्त, आप सलाह क्या दे रहे हैं चने पर? देखिए, मैं चंद्रशेखर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस एक्सपोर्ट पॉलिसी की वजह से हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में कुछ बेनिफिट देखने को मिले, मगर करंटली मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि स्लाइटली एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले, मगर दूसरी साइड अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सप्लाईज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी इम्पैक्ट भावों में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इट विल टेक टाइम, और मुझे लगता है कि करंटली जो भाव चल रहे हैं यहीं पर ही भाव मूव करते हुए दिखाई देंगे। करंटली अगर हम देखें तो करीबन 4850 के आसपास दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट NCDX में ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि भाव इसी रेंज में यहाँ ट्रेड करते हुए रहेंगे, और अगर सप्लाईज बढ़ती हैं जैसा कि हम देख रहे हैं कि नई फसल के लिए जो सोइंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, और हो सकता है कि अब अराइवल जब बढ़ेंगी नेक्स्ट ईयर में तो हो सकता है कि अगेन भावों में प्रेशर देखने को मिले। ऑलराइट अनुज, आप बने रहिए हमारे। ऑलराइट, और अनुज आपकी तरफ से एग्री कमोडिटीज की हॉट पिक्स? देखिए, हमारी तरफ से हमने एक स्पाइसेस में जीरा को चुना है। हमें लगता है कि जीरे के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 19,200 का रहेगा, टारगेट करीबन 20,000 तक देखने को मिल सकता है। वहीं हमने कॉटन और कपास में एक तेजी का माहौल आते हुए देखा है। हमें लगता है कि कपास के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं 910 के लेवल पर। स्टॉप लॉस 880 का रहेगा, टारगेट करीबन 960 रुपये तक देखने को मिल सकता है। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। अगले कॉलर से बात करते हैं। हरिद्वार से मंजू जुड़ रही है हमारे साथ। नमस्कार मंजू जी, बताइए सवाल क्या है आपका? हमने सन 2013 में खरीदा था 50 किलो मेंथा ऑयल पे सवाल, और वो अब हमें 2000 के रेट पे पड़ रहा है, तो क्या 2000 के रेट आ जाएंगे मेंथा पे? ओके अनुज, इन्होंने काफी दिनों से मेंथा होल्ड किया हुआ है, क्या करना चाहिए इनको? 2000 का इनका भाव हो गया है सारे एक्सपेंसेस मिलाकर, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, मेंथा में नो डाउट कि जो डिमांड फैक्टर है वो यहाँ पे अच्छा है, और हमने देखा है कि उसकी वजह से जो भाव है वो जो 2 महीने पहले 800 के आसपास थे वो करीबन 1600 के आसपास आए, 1700 के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि एक्सचेंज की तरफ से मार्जिन बढ़ाया गया, जिसकी वजह से हमने देखा है कि भाव थोड़े नीचे आते हुए दिखाई दिए, मगर अभी भी जो डिमांड सिनेरियो है मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही रहेगा, और आने वाले 1 से 1.5 महीने हमें लगता है कि अभी और तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में इनका जो 2000 का लेवल है वो देखने को मिले। तो उनको एडवाइस रहेगी कि अगर इनके रेट के पास मिलता है, क्योंकि हमने अगर हम हिस्टोरिकल जाए तो 2100-2200 के हमने भाव आते हुए देखे थे, तो अगर 2000 के आसपास के भाव मिले तो वहां पर एग्जिट कर लें। ऑलराइट, तो बायस अब भी नेगेटिव है, थोड़ा और प्रेशर आ सकता है कच्चे तेल पर, लेकिन इसी के साथ हम लेंगे अपने दोनों ही एक्सपोर्ट से इजाजत। अनुज और नवनीत, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज समय निकालने के लिए। कमोडिटी कॉल में भी आज के लिए इतना ही, हमें भी दीजिए यही इजाजत, और आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।